विवेक uh, जी नाना सर सा सिमरन सिंह आप पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद द फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही धमाके मतलब एक बहुत ही मूविंग है इट्स इमोशनली एंड इट्स अ सेलिब्रेशन एक एक तरफ से देखा जाए तो मेरा सवाल आप दोनों से बनता है कि नाना uh, सर की एक, एक खूबी ऐसी है कि वो एक बार सीन में अगर चले जाते तो कई बार वो जो होता है वो इम्प्रोवाइज इतना अच्छा कर देते कि फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं थे वो जो उनके दिल में आता है वो ये बोलते तो ऐसा कुछ सीन आपने को देखा था शूट के दौरान ना सर आप शायद नहीं बोल पाएंगे लेकिन विवेक जी इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे पहले जवाब हो दे फिर मैं उसके ऊपर मेरा ठीक है सर बता दे कुछ नाना <laughs> नाना मतलब आप कुछ भी करो उसमें he can add one small, कुछ उसमेंट डू मच ऐसा नहीं है कि सीन चेंज कर दिया डायलॉग वंस एक लाइन एक वर्ड एक फुल स्टॉप एक कॉमा कहीं फिल्म में कुछ नहीं चेंज हुआ बट ही जस्ट कम एंड एट वन थिंग वो पूरा सीन जो है चेंज हो जाता है नॉट ओनली फॉर हिम बट दीबडीट सीन सो दैट वे नाना के बहुत सारे छोटे 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 इनपुट्स हैं जो एक्चुअली कुछ एक चीजें मुझे भी नहीं समझ में आई थी और वो हमने तो उनको बहुत सीरियस समझ के एडिट किया है दीज आर सीरियस मोमेंट्स पर उसमें कहीं हल्का सा एक ह्यूमर था जो अभी हमने स्क्रीनिंग्स की बिकॉज आई रियलाइज की इन ऑल द ट्वेल्व स्क्रीनिंग्स एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट एवरीबडी लाफ इनफैक्ट बहुत सारे तो अमेरिकन यंग लड़के लड़कियों ने भी वो पॉइंट आउट किया मेरे को एंड देरी फनी सो यम वेरी समटाइम्स ह्यूमर इंटेंस बट नाना इज एन एसेट और मैं आ, अब नाना पे बात चल रही तो एक और बात बताता हूँ जब ये बात चल रही थी कि किसको इसमें कास्ट करें ये बहुत डिफिकल्ट था इसके लिए कास्ट करना क्योंकि इसमें Uh, दो चीजें चाहिए एक तो पावर ऑफ पर्सनैलिटी भी चाहिए था कि समबडडी हु इज लीडिंग अ टीम जब सारी दुनिया कह रही है इंडिया कान डू इट और अपने ही देश के बहुत सारे लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वॉर की तरह से लाइक एनिमीज दैट इंडिया मस्ट नॉट डू इट इंडिया किसी कई लोग थे बड़े पावरफुल लोग जो चाहते थे कि इंडिया बस फेल हो जाए इसमें इंडिया वैक्सीन ना बने हमारी फिर देखेंगे मजा आएगा कुछ लोग मरेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे देखो सब लोग फेल हो गए इस देश में एक आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा और दूसरी तरफ एक बंच ऑफ पीपल थे जो कह रहे थे इंडिया कैन डू इट एंड वी मस्ट डू इट तो वो लीड करना इतने बड़े विलन्स uh, के सामने उसको लीड करना उसके लिए एक पर्सनैलिटी भी चाहिए थी सिनेमेटिक पर्सनैलिटी एंड नाना फिट्स टू द टी इन दैट दूसरा जो एक चैलेंज ये था कि क्रेडिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी वो परफॉर्मेंस की जब वो आदमी बोले तो लोगों को यकीन आए कि अगर ये आदमी बोल रहा है ये सच है तो वो सच ही है और वो तभी आ सकती है जब लोगों व्यूअर्स के दिमाग में वो कंसिस्टेंट परसेप्शन रहा हो तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च भी हमने किया और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और स्टार्स हैं जिनकी पूरे बॉडी ऑफ वर्क में सम द ग्रेटेस्ट एक्टर्स दो चार फिल्में तो कम से कम कहीं गड़बड़ हो गई कुछ हो गया कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा मीडिया हो गया पर आई फाउंड देर इज ओनली वन एक्टर एंड यू मस्ट एडमिट इट ये मैं बता रहा हूँ आपको शायद आप भी नहीं जानते हो देर इज अगर आप रिसर्च करें यू फाइंड देर इज ओनली वन एक्टर इन मॉडर्न सिनेमा जिसका एक भी परफॉर्मेंस कम नहीं है इन एवरी रोल विच एवर ही हैज डन हीज बीन कंसिस्टेंटली सुपर एंड वंडरफुल एंड देट वॉज नाना एंड देट इज दीज आर द टू रीजन वाई आई सेट कुछ भी हो आई एम विलिंग टू डू एनी बताया हाँ, मैंने पूछा अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा पहला सवाल तुझे पूछा था मैंने अगर मैं ना करूँ तो, तो कहते हैं ना कर ही नहीं सकते बाकी का मैं संभाल लूंगा मैंने कहा मैं अंग्रेजी मैं जिस तरह से तू चाहता है जो एक फ्लुएंसी चाहिए वोकेबरी चाहिए वो तो है नहीं हमारे पास हम तो वो रट के बोलेंगे नहीं नहीं वो मुझ पर छोड़ो उसकी जो एक लाइन है ना उसने मुझे वो करने पे मजबूर किया वो मुझ पर छोड़ो और मैं सच कहता हूँ मैंने सब कुछ उस पर छोड़ा ना तो मुझे मालूम है मैं वो मैं किसका मैं चीफ हूं मैं कुछ नहीं मैंने तूने जितनी पढ़ाई की ना उतनी मैंने नहीं किया अभी घर का जब टीचर था तो तू तो ज्यादा करेगी लेकिन हमने कुछ नहीं किया हमने जितना उसने बताया उतना किया अब बीच में थोड़ा सा होता है कि एक अपना ढाल लो तुम रोल अपने आप में तो वो सही तरह से ढाल दो तो उसकी जुबान निकल आती है वो बोलेगा क्या वो किस तरह से बोलेगा वो अपने आप निकल आता है तो ऐसे एक आध दो लाइन कभी निकल गई अब एडिटर तो वही था तो मतलब चाहे तो रख सकता था चाहे तो निकाल दे मुझे मालूम नहीं कितनी निकाली कितनी ने रखी है देखते वक्त मुझे याद नहीं रहा मैंने देखी है फिल्म वो इतनी सही तरीके से एडिट की है तो पता नहीं चलता क्या देखा क्या नहीं देखा लेकिन देखने के बाद मैं कुछ बोल नहीं सका उसको कुछ नहीं मैं चुपचाप नीचे आके कॉफी पी रहा था बहुत सालों के बाद एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलता है सबका कंबाइंड मैं ये 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 ऐसे नहीं सबका मिला के कुल मिला के एक जो इम्पैक्ट है अब जब देख लेंगे तो पता चलता है कुछ ही फिल्में हमारे जहन में रह जाती है कि नहीं यार मैं इस फिल्म का हिस्सा था बड़ी खुशी मिली ये एक जो थी ना एक तो पहले साहब वो कहीं गलत कुछ हो गया होगा तो मुझे माफ करना मुझे मालूम नहीं है मैं कहीं कितनी हद तक सही हूँ लेकिन वो करते वक्त बड़ा मजा आया ना तो वो कोई डोमिनेटिंग पर्सन है ना तो बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है जो दैट इज ओनली क्वालिटी विच मैचेस टू नाना पाटेकर बाकी की तो कोई है नहीं अनप्रेडिक्टेबल जो है और वो अच्छे के लिए अनप्रेडिक्टेबल है और पूरे फिल्म में वो उसका आ, मतलब मैं बड़ा बड़ा खुश हूँ वो कभी ऐसे होता है ना कि थकान भी आ गई तो नहीं चलो यार कर लेते हैं तो ऐसे ही इस फिल्म में हुआ बारह बारह घंटे के बाद भी वो खुशी इतनी रहती थी कि वो थकान कम महसूस होती थी बट क्रेडिट गोज टू यू अगर कहीं सच्ची अच्छा है वो तेरी वजह से है और बुरा है वो भी

कि भाई उसने ऐसे नहीं काले नहीं सफ़ेद रंग के जूते पहने होंगे या वो सुबह जल्दी उठने वालों में से लेट थोड़ी कहीं कहीं हम लोग चेंज करते हैं पर आए मुझे कोई ये कभी मुझसे शिकायत नहीं कर सकता कि मैं अपनी फिल्मों में कभी विलेन के साथ अनट्रूथफुल अं रहता हूँ तो जो विलेन है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट और कोई कैरेक्टर नहीं है और आप देखिए आपको समझ में आएगा एंड इन माई फिल्म विलन्स आर नॉट लाइक विलन्स दे आर लाइक अस बट और यही प्रॉब्लम uh, है कि जो इनसाइडर uh, एनिमीज होते हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है और उन्हीं के कारण भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है uh, मेरा प्रश्न आपसे है कि uh, नाना साहब की तरह मेरी भी हिंदी ही है अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है uh, आपकी फिल्में नाना साहब मैंने देखी हैं एक समानांतर सिनेमा जब चलता था स्मिता जी का और इन सब का दौर था वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है यहाँ पर और विवेक सर की भी फिल्में देखते ही रहते हैं कॉमन क्वेश्चन है कि आ, समानांतर सिनेमा आज के बाज़ार के समय में मार्केट के टाइम में कितना सफल है कितना असफल है और विवेक सर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आ, कितना मानते हैं कि ये पैरेलल समानांतर सिनेमा कितना सफल हो पाएगा और नाना सर आपकी तरफ से हमें चाहिए कि आप इस फिल्म को समानांतर सिनेमा की लिस्ट में रखते हैं या फिर नहीं एक तो पहली बात वो जो अंतर था एक कमर्शियल um, फिल्म और समांतर फिल्म वो रहा नहीं अब उस जमाने में था अब वो तो है नहीं ओ आने के बाद हमारी हर किसी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और जितने व्यूवर्स थे वो पैसे हमारे आ जाते हैं तो वो समांतर फिल्म का वो रहा नहीं रहा थॉट कौन सा अब रखते हैं अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा मैं मतलब मैं पूरी देख नहीं पा रहा था लेकिन वो बहुत चलती है यार अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते ये पसंद करने के लिए अब मैं एक्टर हूं कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूं अब उसके अवकाद हो ना हो लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूं आपके ऊपर एक फिल्म उसकी गिर जाए चलो दूसरी फिल्म में मैं लूंगा तीसरी ती। दस फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयां कम नज़र आने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का क्यों कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने पे मजबूर करते हैं और हमको आहिस्ता आहिस्ता लगता है नहीं यही अच्छी फिल्म है उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार दो फिल्मों में फर्क है वो जिंदा है नहीं दो फिल्मों में अच्छा और बुरा जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे जो उसको हम अच्छा कहने लगे हैं वो और ये अच्छा इसमें बहुत अंतर है तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं आज मैं हैरान हूं मैं तो जाता नहीं मैं सच कहता हूँ मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है मैंने ऐसे क्या वैसे क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलू और सबसे गंदी बात यह है कि ये गलत लफ्ज निकल गया ना तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया उसमें से वो गंदा लफ्ज अब है भाई इंसान है एक एखा इधर उधर हो जाता है लेकिन वो नहीं होता तो हमें वो मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया जितना जितनी जान डालनी है अपने काम में डालो यार यहां बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है और ना भी करूं तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी है और ये मैं सच कहता हूं मुझे वो अंदर से लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए तो मुझे वो खाम 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 वो कहीं गांव से मैं इधर आना पड़ा लेकिन नहीं ये फिल्म है अगर दूसरी कोई एक बहुत कमर्शियल किस्म की फिल्म होती तो वह शायद नहीं जाता लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है मैं हूं मैं मेरा खून है मुझे लगता है कि ये मेरी बिरादरी है जहाँ से हमने शुरुआत की थी शुरुआत की थी आपकी गिद्ध फिल्म हमने देखी है बहुत बहुत शुक्रिया सबकी सब पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा सर बहुत शुभकामनाएं विवेक विवेक रंजन रंजन थैंक थैंक यू थांक यू सर हेलो वो समानांतर की जो आप बात कर रहे थे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कई लोग मुझसे बोलते हैं ये अलग हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे जी एक मुझे बहुत बड़े दिग्गज संगीतकार ने बात बोली थी कि अगर आप बेसुरा गाना बहुत सारे बेसुरे गाने ही सुनते रहें सुनते रहें तो उसी को सुर समझ बैठते हैं वही आपका सा बन जाता है और अगर एक गांव में सिर्फ बेसुरे गाने सुनने की आदत पड़ जाए तो कोई सुर वाला जो सही सुर में गा रहा है लोग उससे यही पूछते हैं आप इस सुर में क्यों गा रहे हैं भाई यू अंडरस्टूड आई एम वे और मैं मैं कोई नया नहीं बाहर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया हूं कि कोई एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आर्ट फिल्म बनाने आया था तो अलग तरह की फिल्म बना रहा हूँ मैंने भी कमर्शियल फिल्मों में काफी साल दिए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाई है और मैंने बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ सब प्रोजेक्ट्स में बैठा भी हूँ मैं बताता बतातू मैंने ऐसी फिल्में बनानी क्यों शुरू की क्योंकि सब जगह मुझसे हर स्टार ने हर प्रोड्यूसर ने हर स्टूडियो ने यही बोला यार तो कहानी थोड़ी सिंपल कर दो लोगों को समझ में नहीं आती है मतलब थोड़ा डम डाउन कर दो स्टोरी को एक बहुत बड़े स्टार है उन्होंने मुझसे कहा था अरे अरे ये इंडियन ऑडियंस को कहानी बहुत कम देनी चाहिए इनको कुछ समझ में नहीं आता है ये पूरी जो एक धारणा बन गई है कि ऑडियंस डम है और करते 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 हमने वाकई में एक अच्छी खासी तादाद की क्रिएट की है अगर आप चैलेंज और ये बात हमने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम से ताशकंद फाइल से कश्मीर फाइल से और इस फिल्म से प्रूव करेंगे इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जिसमें पचास कॉम्प्लेक्स थीम्स चलती है मेरी हर फिल्म फिल्म के अंदर हर कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है पूरी फिल्में कमरों के अंदर बंद कोई गाने नहीं कोई हंसी मजाक नहीं कोई एक्शन नहीं कोई थ्रिलर नहीं कोई स्टार्स नहीं कोई हीरोइंस नहीं एक बंद कमरे में आठ दस लोग बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी पर आप देखिए सारी फिल्मों को ऑडियंस ने सराहा है सारी फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनी है तो आप अगर आप सुर में ये फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए कॉमन मैन से रिलेटेड और होना क्या चाहिए फिल्मों में तो मैंने आपसे कहा कि सबने मैंने सुपर हीरो फिल्म बनाई ही है अब आप डिसाइड करिए कौन सी सुपर हीरो करते हुए दोनों में उतनी ही जान डालनी पड़ती है यहाँ तो सब कन्विंसिंग है वहां कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है वो कन्विंसिंग बनाना पड़ता है तो उधर ज्यादा जान डालनी पड़ती है समझ में आया ना जी जी और अपने आप को टटोलने का एक अच्छा तरीका है हम किस तरह के एक्टर है क्या हम वो कर सकते हैं ये तो बड़ा आसान है वो करना बहुत मुश्किल है करने वाले हैं उनको नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया सर बैठ जाइए